हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आप जो ए एस पी डॉट नैट का टॉपिक अपना वैब कंट्रोल्स बारे चल रहा है, वो आप पहली जी कंट्रोल की डिस्प्ले इनफॉर्मेशन की दो टाइप से लेबल कंट्रोल वाले मैं तुम्हें पढ़ाता सी। उस तो बाद आप लिटरल कंट्रोल बारे अभी डिस्कस करेंगे। यूजिंग द लिटरल कंट्रोल होंगी की आ जी लिटरल वर्ड कंट्रोल आ वर्क वेरी मच लाइक द लेबल कंट्रोल द जिमें लेबल कंट्रोल काम करती है लिटरल कंट्रोल भी उमें ही काम करती है। दिस कंट्रोल आर वी यूज फॉर टैक्स दैट वी वॉन्ट टू पुश आउट टू द ब्राउजर। बेटा की है ये भी आपू करते टैक्स न ही शो करने आप ब्राउजर के उपर यूज़ करते हैं लिटरल तो बट कीप अनचेंज इन द प्रोसैस पर मतलब जोड़ी प्रोसैस होंगी वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, वो स्टेट है जी लिटरल की चेंज नहीं होंगी क्योंकि लिटरल की होंगे ने कॉन्सटेंट होंगे ने जिन्होंने आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक साइंटिक्स टू एड अ लिटरल कंट्रोल टू वैब फॉर्म यूजिंग द सोर्स कोड तो सोर्स कोड के लिए जो आप सोर्स कोड ऐड करना तो वो अपने को अपना साइंटेक्स की आ ए एस पी आप क्योंकि डॉट नैट की गल कर रहे हैं। ठीक है, लिटरल आई डी वो आई डी देनी है इज इक्वल टू लिटरल वन होगी पहली आई डी। ठीक है, यूनिट सर्वर से आपू अपलोड करना ए एस पी डॉट लिटरल के ना ही उन्होंने की किया बंद। यह तो सीगा अपने को ए एस पी लिटरल आई डी लेबल कंट्रोल अल्टर द आउटपुट बाय प्लेसिंग द स्पेन। लेबल कंट्रोल के बेटा कि आप जो प्लेसिंग स्पेन एक टैग एलीमेंट ऐड कर देंगे तो वाल मतलब कि वो आउटपुट है जी चेंज हो जाती सी। ये की है बेटा स्पेन आई डी जी स्पेन आ मतलब आउटपुट चेंज करने के लिए आप स्पेन जोड़े एक वर्ड उन्होंने यूज़ करते हैं। स्पेन आई डी इज इक्वल टू लेबल वन हेयर इज सम टैक्स भी कुछ टैक्स शो करना स्पेन में पहला देखो आप जेकर कोई टैग शुरू करते तो वह आप एंड भी करते हैं। तो लिटरल कंट्रोल जस्ट आउटपुट द टैक्स विदाउट द स्पेन। बेटा देखो जिमें लेबल के आप स्पेन यूज़ करते बट लिटरल कंट्रोल है जी आउटपुट टैक्स की फॉर्म के दिखाने लिए स्पेन एलीमेंट की वरतों नहीं करते। तो ठीक है, वन फीचर फाउंड इज दिस कंट्रोल इज द एट्रीब्यूट मोड। इतने एक मोड एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता दिस एट्रीब्यूट एनेबल अस टू डेडिकेट हाउ द टैक्स असाइंड टू द कंट्रोल। कंट्रोल में टैक्स किमें असाइन करवाए जाते हैं इज इंटरप्रेटेड बाय द ए एस पी डॉट नैट इंजन भी वो इंटरप्रेट करता। इफ यू प्लेस सम एच टी एम एल कोड इन द स्ट्रिंग जेकर कहते कुछ जगह मतलब आप एच टी एम एल कोड में दे दिए स्ट्रिंग आउटपुट की होगी। ये फॉर द इंस्टेंस कहते जिमें बी टैग की वरतों की है हेयर इज सम टैक्स आ बी बी मतलब की होंगे आप टैक्स में बोल्ड करते हैं। ठीक है, एच टी एम एल की टाइप होगी ना ये तो लिटरल कंट्रोल आउटपुट जस्ट दैट एंड द कंज्यूमिंग ब्राउजर शो द टैक्स एज हेयर तो इस तरह का मतलब यदि आउटपुट अपने शो हो जू हेयर इज सम टैक्स एक आदि फॉर्म के आ गए बोल्ड अक्षर आ गए थोड़े मोटे आ गए। तो वी कैन यूज़ द मोड एट्रीब्यूट एज अ इलिस्ट्रेटेड तो हूँ आप मोड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो कहते ए एस पी लिटरल आई डी इज इक्वल लिटरल पहले लिटरल की गल की यूनिट सर्वर से उन्होंने अपलोड करना मोड अपना की इनकोड करना मतलब कोई ना कोई आप वैल्यू देनी है। ठीक है, तो टैक्स आप इतने की ऐड किया हेयर इज सम टैक्स कुछ टैक्स आप दिते ने जिका ये होंगे बेटा हेयर इज सम टैक्स जिमें बोल्ड बंद करता है बोल्डिंग दिखा रहे हैं ए एस पी डॉट लिटरल जो टैग लगाया से वो भी बंद करता। तो एडिंग मोड इज इक्वल टू इनकोड का की मतलब है इनकोड का आउटपुट बिफोर इट रिसीवड बाय द कंज्यूमिंग एप्लीकेशन भी इनू कंज्यूम करन तो पहला वो आउटपुट आप इनकोड कर लेनी मतलब चेंज कर लेनी भी आप अपने को रख लेनी भी अपना ब्राउजर उन्होंने आउटपुट की फॉर्म के शो कर दे। इंस्टैड ऑफ द टैक्स बीइंग कन्वर्टेड टू बोल्ड फॉन्ट मतलब कि आप उदो यूज़ करते हैं बेटा भी बोल्ड फॉन्ट के कन्वर्ट होने तो पहला जो टैक्स होंगे उन्होंने बोल दो आप बी एलीमेंट आर तो कहते डिस्प्ले एलिमेंट तो बी के जो एलीमेंट वो इदा आप शो हो तो दिस इज़ आइडल इफ वी वॉन्ट टू डिस्प्ले कोड इन अवर एप्लीकेशन एक भी चीज़ कह दें आप जे आप अपने एप्लीकेशन के कहते कुछ कोड्स में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो अदर वैल्यू फॉर द मोड एट्रीब्यूट इनक्लूड द ट्रांसफॉर्म एंड पास थ्रू ये मतलब कि दो वैल्यूज ने ही यूज़ करती है मोड मैथड के एक तो ट्रांसफॉर्म करना तो दूजा की है पास थ्रू। ट्रांसफॉर्म लुक एट द कंज्यूमर एंड इनक्लूड और रिमूव एलीमेंट एज नीडेड कहते बेटा ट्रांसफॉर्म का मतलब है लुक एज अ कंज्यूमर की तरह काम करना भी क्योंकि उन्हें यूज़ करना किसी ने इनक्लूड फॉर रिमूव द एलीमेंट एज नीडेड जो उन्होंने जरूरत है भी वो इदा के एलीमेंट लगेगा जिन्होंने उन्हें रिमूव करना। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कहते नॉट ऑल द डिवाइस एक्सैप्ट एच बहुत सारे डिवाइसिज इदा होंगे भी एच डी एल एलीमेंट को नहीं एक्सैप्ट कर दिया इफ द वैल्यू ऑफ द मोड एट्रीब्यूट सैट टू द ट्रांसफॉर्म जो आप जो मोड एट्रीब्यूट सैट किया कहते ट्रांसफॉर्म के लिए तो दीज एलीमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग बिफोर इट इज सेंट टू द कंज्यूमिंग एप्लीकेशन कंज्यूमिंग एप्लीकेशन इन्होंने यूज़ करने तो पहला वो एलीमेंट में रिमूव कर दूंगा जिड़ी उन्हें एक्सैप्ट नहीं कर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पास थ्रू फॉर द मोड प्रॉपर्टी मीनस दैट टैक्स इज सेंट टू द कंज्यूमिंग एप्लीकेशन विदाउट एनी चेंजेस। देखो बेटा दो चीज़ हैं जिहड़ा ट्रांसफॉर्म जिन्होंने मतलब जिहड़ी वो एक्सैप्ट नहीं करता वो वाली वैल्यूज़ में एलीमेंट्स उतों रिमूव कर दूगा
ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਟੇਕ ਆ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਡਿਸਪਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਫੋਰਮ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇਮ ਰਹੂਗਾ ਲਿਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਪ, ਲਿਟਰਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਟਰਲ ਦਾ। ਇਨਕੋਡ ਮੋਡ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੋਡ ਅਤੇ ਪਾਸ ਥਰੂ ਮੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੋਡ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀਸ ਲਿਟਰਲ, ਲਿਟਰਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਟਰਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਆ, ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕੋਡ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਹੇਅਰ ਸਮ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਮੋਡ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਥਰਡ ਲਿਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੇ ਥਰੂ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਰਸ ਵਿਲ ਵੀ ਐਜ ਆ ਫੋਲੋਅਰ, ਇਹਦੇ ਸੋਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ASP.NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸੈਂਟੇਜ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਪੇਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਟ ਵਿੰਟ ਰਾਈਟ ਅਪ ਟ੍ਰਿਊ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡ ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਡੈਮੋ ਡੋਟ ਏ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਸੀ ਟਾਈਪ ਆ, HTML ਪਬਲਿਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ www.333.org ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ ਯੂਨਿਟ ਸਰਵਰ, ਮਤਲਬ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਮ 1, ਪਹਿਲਾ ਫੋਰਮ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। TR ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ ਰੋ, TD ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਡ ਮੋਡ ਕਹਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ TR ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਲੈਤਾ, ਟੇਬਲ ਰੋ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। TD ਫਿਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰਲ ਆਈਡੀ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰਲ 1, ਯੂਨਿਟ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸ਼ੋਅ ਵੀ, ਮੋਡ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕੋਡ, ਵੀ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ TD ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ TR ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ TR ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਮੋਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਇਨਕੋਡ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ASP.LittleID ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਲਿਟਰਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਰਵਰ, ਮੋਡ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਮੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਲਿਟਰਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਯੂਨਿਟ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਡ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ, ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ F5 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਕਿ ਇਨਕੋਡ ਮੋਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਗ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ। ਇਨਕੋਡ ਮੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਟੈਕਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਾਸ ਥਰੂ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲਾ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁੱਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ASP ਜਿਹੜਾ .NET ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ, ਇਨਕਲੂਡ ਦਾ ਸੈਵਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਂਦਾ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਦਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁੱਟ। ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁੱਟ ਗੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਬੋਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੋਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਬੋਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਬੋਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਅਕਸੈਪਟ ਇਨਪੁੱਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ, ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬੋਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਨ ਬੀ ਅਕਸੈਪਟ 1 or more ਲਾਈਨਸ ਟੂ ਟੈਕਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਬੋਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 2 or 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਮੋਡ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ
सिंगल लाइन द टैक्स बॉक्स दैट अलाउ यूजर टू टाइप करैक्टर है। टैक्स बॉक्स अलाउ करता भी यूजर इतनी सिंगल लाइन कोई भी टैक्स है जो टाइप कर सकता। पासवर्ड टैक्स बॉक्स कंट्रोल इज सिमिलर टू अ सिंगल लाइन टैक्स बॉक्स उस तरह ही होंगी है बट मास्क कहते द करैक्टर दैट आर टाइपड बाय यूजर एंड डिस्प्ले दैम एज अ अरिस्टिक और डॉट्स मतलब जेडे करैक्टर यूजर के द्वारा टाइप किए जाते हैं वो आपको अरिस्टिक या डॉट्स की फॉर्म के शो होंगे। ठीक है मल्टी लाइन टैक्स बॉक्स कंट्रोल अलाउ यूजर टू टाइप मल्टी लाइन एंड रैप टैक्स मतलब रैप टैक्स एक्सट्रा भी एड कर सकते हैं। तो बेसिक सेंटेक्स टू एड अ टैक्स बॉक्स कंट्रोल टू वैब फॉर्म यूजिंग अ सोर्स कोड तो ये आप सोर्स कोड यूज करते हैं। ठीक है ESP टैक्स बॉक्स आई डी ठीक है इजिकल टू टैक्स बॉक्स पहला ऐड कर रहे हैं यूनिट सर्वर से अपलोड करना ऑन द आप टैक्स चेंजेस कर सकते हैं टैक्स बॉक्स के। ठीक है जी इस तो बाद ESP जी मतलब आप लगाई है कोई भी टैग लगाए उन्होंने बंद कर। ठीक है अगे अपने को प्रॉपर्टीज़ दिखाई हुई टैक्स बॉक्स दी पहले आप प्रॉपर्टीज़ कि डिस्क्रिप्शन की गल की पहले अनेबल्ड अनेबल्ड मतलब तुम समझते हो कोई चीज़ जेकर आप शुरू करनी है प्रॉपर्टी से आप अनेबल कर देंगे तो चलन लग जाती जी आप डिसेबल कर देने तो वो की हो जाती है बंद हो जाती है। यूज टू अनेबल और डिस्प्ले द टैक्स बॉक्स मतलब ये आप अनेबल मतलब कि डिस्प्ले हो जाए अपन शो हो जाए कि टैक्स बॉक्स इफ इट इज सैट टू फॉल्स जेकर यह फॉल्स आ दैन का कहते टैक्स बॉक्स इज नॉट एडिटेबल मतलब जेकर आप प्रॉपर्टी फॉल्स सैट कर दी तो उन्होंने आप चेंजस आ जी नहीं कर सकते। एडिटेबल का मतलब होंगे डोंट चेंजस भी आप चेंजस नहीं कर सकते लाइक दैट टैक्स बॉक्स इज डिसेबल भी टैक्स बॉक्स इतने की दिखाया गया डिसेबल दिखाया गया। मैक्स लेंथ की गल की जितने द मैक्सीम नंबर ऑफ करैक्टर आप टैक्स बॉक्स दिता वो मैक्सीम किन्ने करैक्टर एड कर सकते जिन भी जिन्हें आप चाहते जिन्हें साइज सैट किया। रीड ओनली कहते डिटरमाइन वैदर द यूजर कैन चेंज द टैक्स इन द टैक्स बॉक्स बट बाय डिफॉल्ट इट इज़ फॉल्स जेकर बाय डिफॉल्ट फॉल्स दिता हूँ तो यूजर ये कोई भी टैक्स आ जोड़ा चेंज द टैक्स टैक्स का मतलब कि चेंज वो कर सकता है। ठीक है तो अपने को आ गया अपने को नैक्सट आ गया टैक्स यूज टू सैट द टैक्स टू डिस्प्ले इन द टैक्स बॉक्स मतलब सर ये टैक्स सैट किया जाता भी किस टाइप का टैक्स तुम देना चाहते हो। रैप का मतलब कि इट रीप्रजेंट द वर्ड रैप बिहेवियर फॉर मल्टीपल लाइन टैक्स बाय डिफॉल्ट इज ट्रू बाय डिफॉल्ट ट्रू हूँ भी ये रैप का मतलब ये लिता गया भी आप मल्टी लाइन एक तो ज़्यादा लाइन एड आ जी कर सकते। मोस्ट कॉमनली यूज मैथड टैक्स बॉक्स कंट्रोल इज द फोकस जिहड़ा कॉमनली मैथड यूज कर रहे हैं ये तो सारी उन्हें प्रॉपर्टीज है हूँ आप मैथड की गल कर रहे हैं फोकस है तो फोकस मैथड इट यूज टू सैट द इनिशियल फॉर्म फोकस टू द टैक्स फोकस मतलब होंगे करसर करसर अपना स्टार्टिंग पॉइंट से सैट किया जाए। ठीक है तो फोकस मैथड अनेबल अस टू डायनामिकली प्लेस द एंड यूजर करसर इट इंपॉइंटेड फ्रॉम द एलीमेंट सच एज टैक्स बॉक्स बटन चैकबॉक्स और एनी ऑफ द वैब कंट्रोल डेबिट फ्रॉम द वैब कंट्रोल क्लास के ही यह लिता गया तो बट इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली यूज विद द टैक्स बॉक्स कंट्रोल एज फॉलो द टैक्स बॉक्स के नाल जो आप यूज करते हैं प्रोटेक्टेड मोड के हों गा सारी चीज़ अपने को बनी बनाई होंगी ASP .NET के टैक्स बॉक्स डॉट फोकस का मैथड लिखना तो इतने आप करसर की जी पोजिशन हैगी सैट की भी अपना करसर कितने शुरू होगा। ठीक है जी तो मोस्ट कॉमनली यूज इवेंट ऑफ टैक्स बॉक्स जी आप इवेंट यूज किए भी कितने आप कोड लिखना इवेंट मतलब की होंगे भी टैक्स बॉक्स के कोड कितने लिखना तो कंट्रोल इज टैक्स चेंज दिस इवेंट इज रेज्ड ऑन द सर्वर वैन द कंटेंट ऑफ टैक्स बॉक्स आर चेंज ये सर्वर तो उदो रेज हो जाती है जो आप टैक्स बॉक्स के कंटेंट चेंज कर देते हैं। तो बेसिक सी शार्प सेंटेक्स टैक्स चेंज इवेंट ऑफ द टैक्स बॉक्स कंट्रोल एज फॉलो आ सेम एज द प्रोटेक्टेड बाय टैक्स बॉक्स टू टैक्स चेंज का ऑब्जेक्ट सेंडर का गया इवेंट्स आ गए तो इतने आप जी ब्रेसेज शुरू किए तो बंद किए राइट हेयर कोड कोई भी कोड आप इतने लिखा तो टेक अ लुक एट फॉलोइंग प्रोग्राम एक प्रोग्राम लें भी आप ये प्रोग्राम के आप टैक्स बॉक्स में कंट्रोल टू एक्सैप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर इन वेरियस टैक्स मोड अलग अलग मोड आप सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन से पासवर्ड लाइन के द्वारा ही आप फॉलो आएगा करेंगे। सब तो पहला बेटा की करना तुम एक वैबसाइट क्रिएट करोगे वह नाम की दोगे एक्सैप्टिंग यूजर इन तो ऐड करोगे ये की वैब फॉर्म टू एप्लीकेशन नेम टैक्स बॉक्स डेमो डॉट ASP क्रिएट करोगे यदा डिजाइन ये आप एक सिंगल लाइन टैक्स बॉक्स क्रिएट करना एक आप मल्टी लाइन देखो सिंगल लाइन के कल एक लाइन दिखा रहा है मल्टी लाइन के एरो दिखाते ना तो दैट इज कॉल्ड बहुत ज़्यादा नहीं भी आप उपर नीचे जाते पासवर्ड के एक सिंगल लाइन ही दिखाई दे तो कहते सैट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस टैक्स बॉक्स कंट्रोल जिमें टैक्स बॉक्स पहला टैक्स मोड की है सिंगल लाइन का बाय डिफॉल्ट सैकेंड बॉक्स के आप मल्टी लाइन का करा तो थर्ड के आप करेंगे पासवर्ड का सोर्स विल भी फॉलो देखो बेटा अपने को उस तरह पहला आ वाली डिस्क्रिप्शन देखी भी आप सी शार्प के अपना प्रोग्राम है जो बना रहे हैं उस तरह यदि डॉट टाइप होगी HTML पब्लिक होगी वैबसाइट वगैरह ये सारे कोड ऑटोमेटिकली लिखे लिखाई होंगे
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੈਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਵੀ ਵੈਡਥ ਉਹਦੀ 396 PX ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਫੋਰਮ ਆਈ ਡੀ ਆ, ਫੋਰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ TR ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬੁੱਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬੁੱਕਸ, ਯੂਨਿਟ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਕਸ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰਵਸ ਟੈਕਸ ਮੋਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ? ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਮੋਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ, TDR, TR, ਟੇਬਲ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਫੋਰਮ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਕਰੀਮ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ HTML। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ HTML ਦੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਬੁੱਕਸ ਅਮਿਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਕਸ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਲਿਖਤਾ, ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਭਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਦਰ ਚੈੱਕ ਔਰ ਅਨਚੈੱਕ, ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਨਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਚੋਇਸ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਚੋਇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸੱਚ ਐਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਬਿਟ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਬਿਟਸ। ਇਟ ਮੇ ਅਲਾਓ ਯੂਜ਼ਰ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਟਮ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ਰ ਮੇ ਸਿਲੈਕਟ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਹੈਬਿਟ ਫਰੋਮ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ASP ਇੱਥੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ID ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ASP ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ID ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ 1 ਯੂਨਿਟ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਚੈੱਕਡ ਚੇਂਜਡ ਹੋ ਜਾਏ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ, ਆ ਚੈੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਬਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਪੋਸਟ ਬੈਕ, ਇੱਕ ਚੈੱਕਡ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਪੋਸਟ ਬੈਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪੋਸਟ ਦਾ ਫੋਰਮ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਬੈਕ ਟੂ ਸਰਵਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਚੈੱਕਡ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਕੋਲ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਅਨਚੈੱਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਔਰ ਸੈੱਟ ਵੈਦਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਚੈੱਕਡ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਚੈੱਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਆ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੈੱਟ ਅ ਲੇਬਲ ਫਾਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ। ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸੈੱਟ ਦਾ ਚੈੱਕਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਟਿਵਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਐਸ ਫੋਲੋ। ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਡੋਟ ਚੈੱਕਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਰੂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਟਰੂ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਾਲਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਚੈੱਕਡ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ ਇਵੈਂਟ ਇਫ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਔਨ ਦਾ ਸਰਵਰ ਵੈਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਚੈੱਕਡ ਔਰ ਅਨਚੈੱਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸੈਂਟੈਕਸ ਫਾਰ ਚੈੱਕ ਚੇਂਜ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਵੋਇਡ ਮੋਡ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਚੈੱਕ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕਡ ਚੇਂਜ ਓਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁੱਟ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਅਰ ਹੋਬੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਗਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਮਿੰਗ, ਡਾਂਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 4 ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ 1 ਟੈਕਸ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੀਡਿੰਗ। ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਿੰਗ। ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸਿੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਆਟੋ ਡਰੀਵਨ ਇਹ ਟ੍ਰੀਊ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਸ ਕੋਡ ਫਾਈਲ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਮ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵੈਡਥ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ TDA, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਅਰ ਹੋਬੀਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਨ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਕਾਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ
ठीक है। अगे आ गया कहते यूजिंग द रेडियो बटन कंट्रोल। रेडियो बटन कंट्रोल का की मतलब होंगे, हम देखो रेडियो बटन प्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑप्शन फ्रॉम विच द यूजर कैन सिलेक्ट जस्ट वन ऑप्शन। रेडियो बटन के बेटा की होंगे भी देखो चैकट के अपने को एक यही प्रॉपर्टी आ जाती है भी आप एक या एक तो ज़्यादा जी मतलब चैक कर सकते हो वर्किंग अपना काम जो भी है क्लिक कर सकते हो उपर। बट रेडियो बटन के जस्ट की होंगे सिर्फ एक ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कहते लिस्ट ऑफ कोर्स कंटेन फॉर कोर्स बी सी ए बी बी ए एम सी ए बी ए एम बी ए तो वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स दैम मतलब हम कोर्स की गल की गई है तो कोर्स तो देखो हॉबीज तो अपनी बहुत हो सकती हैं पर कोर्स तो आप एक ही चूज करेंगे। तो स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन कोर्स अमंग द गिवन लिस्ट ऑफ कोर्स। तो टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन वी कैन स्पेसीफाई द सेम नेम फॉर द ग्रुप नेम। ग्रुप नेम के नाल ही करांगे प्रॉपर्टी ईच रेडियो बटन इन द ग्रुप इफ मोर दैन वन ग्रुप इज रिक्वायर्ड इन द सिंगल फॉर्म तो वही कैन स्पेसीफाई द डिफरेंट ग्रुप नेम। तो वो लिए हर एक अलग अलग नेम होगा। इनिशियली तो सिलेक्ट रेडियो बटन साइड चैकड प्रॉपर्टी ये जी आप रेडियो बटन सैट करना जी चैकड प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो डिग्री होगी ट्रू होगी। इफ द चैकड प्रॉपर्टी इज सैट फॉर मोर दैन वन रेडियो बटन इन द ग्रुप तो दैन ओनली द लास्ट वन विल बी सिलेक्ट तो सिर्फ लास्ट वन चूज करेंगे। तो बेसिक सिंटैक्स उस तरह ही ए एस पी का रेडियो बटन आई डी दे के रेडियो बटन वन यूनिट सर्वर से अपलोड करना चैकट ट्रू होनी चाहिए ग्रुप नेम यदा ग्रुप वन टैक्स अपनी ऑप्शन वन होगी। ये प्रॉपर्टीज़ भी वो तीन ही ने जो करते बस ये एक नवी प्रॉपर्टी हैगी ग्रुप नेम एक आटो पोस्ट बैक है एक चैकट है एक ग्रुप नेम है एक टैक्स है। जी आटो पोस्ट है वह की मतलब है कहते यूज टू पोस्ट द फॉर्म कंटेनिंग द रेडियो बटन बैक टू द सर्वर आर अपने आप ही चला जाएगा जो आप चैकट बटन से जन चैकट बटन से क्लिक करेंगे वह रिस्पोंस है कि चला जाएगा रेडियो बटन तो सर्वर से ऑटोमेटिक। अगे चैकट के अपनी सिलेक्टर और नॉट डिफाल्ट बाय डिफाल्ट की होगा ही फॉल्स ही होंगे। ग्रुप नेम के आप नेम ग्रुप का दें तो टैक्स के आप करते लेबल वगैरह करते जो आप लेबल आ लेबल के ही आप टैक्स भर सकते हैं। इस तो बाद आ गया अपने को चैकट चेंज्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इवेंट ऑफ द रेडियो बटन कंट्रोल इट इज रेज्ड ऑन द सर्वर व्हेन द रेडियो बटन इज चैकड ये रेज उदो सर्वर टू रेज हो जाते जो आप रेडियो बटन से क्लिक कर दें। ठीक है। तो बेसिक सी सार्प सेंटेक्स पार द चैक चेंज इवेंट ऑफ द रेडियो बटन कंट्रोल आर फॉलो तो बस इतने कोड लिखना है यही फॉर्म आऊंगे जो अगर प्रोग्राम क्रिएट करेंगे वैबसाइट वगैरह एक्सैप्टिंग यूजर इनपुट तो वैब फॉर्म हो गया एप्लीकेशन नेम रेडियो बटन डेमो डॉट ए एस पी एक्स देवे क्रिएट करेंगे जी। हम अपने को चैकबॉक्स वो अपना सर्कल दूसरा आंता सी ना रैक्टेंगल फॉर्म आती सी चैकबॉक्स के रेडियो बटन के अपनी जी होगी जी फॉर्म बबल की फॉर्म होगी सर्कल की। ठीक है जी पहला दूजा तीजा तीन कर ले। इस तो बाद रेडियो बटन वन टैक्स प्रॉपर्टी होगी यदि बी सी ए रेडियो बटन टू ए प्रॉपर्टी बी 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 होगी रेडियो बटन थ्री ए भी एम सी ए होगी। ठीक है इस तरह ऑल सैट आ प्रॉपर्टी फॉर रेडियो बटन जो आप सी शार्प के यूज़ करते हैं बस ये भी उस तरह ही आप ऐड करना जो कोर्स एड करना पहला तो वह एडमिशन देना आप वाला लैन में प्रिंट करवाना फिर पहला रेडियो बटन सैट करा जिद ग्रुप नेम देवे फिर उस तो बाद दूजा करा जिदे आप मतलब कोर्स पहला आप बी सी ए दिता फिर आप दिता गा बी बी ए दिता फिर तीजा ग्रुप सैट किया जिद एम सी ए दिता फिर आप चौथा जिद एम बी ए दिता इस तरह बंद करके। ठीक है जी थोड़ा प्रोग्राम है जो रन होगा एफ फाइव तो बस आ वाला तो जेडे क्लिक करोगे एक तो ही होगा भी सारे से आप क्लिक जो नहीं इस तरह आप रेडियो बटन है जो क्लिक करते हैं। ठीक है जी अगे सबमिटिंग फॉर्म डाटा आप कल वाले लगे चुके।